फ्राइड राइस है और ये क्या भाई हमारा राइस नॉर्मल मील आ चुका है। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं रोटी चावल। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं आनंद रेस्टोरेंट एंड ये गाइज काफ़ी सिंपल एक रेस्टोरेंट है एंड बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो ये एक नॉन एसी रेस्टोरेंट है एंड इसका खास बात ये है गाइज यहाँ पर जो है प्योर वेज है। प्योर वेज मतलब वेज में बिना प्याज लहसुन का जो आइटम होता है वो उसे कहते हैं हम लोग प्योर वेज। सो ये वो रेस्टोरेंट है। सो जिन लोगों को एकदम प्योर वेज खाना है वो इस रेस्टोरेंट पर आ सकते हो। एंड काफ़ी बार कई लोगों ने कमेंट किया मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में कि मैं इस तरह का कोई रेस्टोरेंट बनाऊँ। तो बाय द वे गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि प्योर वेज आसनसोल में बहुत कम ही ऐसा रेस्टोरेंट है, उसमें से आनंद रेस्टोरेंट जो है एक है। तो हटन रोड के बिल्कुल रोड के बगल में एक छोटा सा गली है, काफ़ी बार मैं भूल जाता हूँ। आज संजीव था मेरे साथ तो उसने मुझे बताया एंड मैं आया। पहले एक आध बार आ चुका हूँ क्योंकि मैं वेज उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट आज मुझे वेज खाने का मन किया तो मैं इधर आया। सो इसका मेनू कार्ड गाइस मैं आपको दिखाता हूँ एंड इसका कुछ स्पेशल आइटम है वो भी गाइस मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया तो ये रेस्टोरेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, इट्स अ सिंपल रेस्टोरेंट और ये एक नॉन एसी रेस्टोरेंट है। तो गर्मी में हो सकता है आपको दिक्कत हो तो आप रात को भी आ सकते हो, बट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे फैंस भी है। ओके तो मैं आपको मेनू कार्ड दिखाता हूँ एंड कुछ थाली आइटम है जो यहाँ के लोग खाना को बहुत पसंद करते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देखा गाइस प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है एंड क्योंकि ये वेज रेस्टोरेंट है तो काफ़ी ऑप्शन जो है वेज में काफ़ी ज़्यादा है एंड ड्रिंक्स में भी काफ़ी कुछ है। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एक स्पेशल थाली और एक मील थाली। तो देखते हैं कि क्या क्या आता है, क्वालिटी कैसा है खाने का, टेस्ट कैसा है और प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दिया गया। हमारा गाइस नॉर्मल मील आ चुका है तो यहाँ पर हमें मिलते हैं रोटी चावल बूंदी का रायता तो ये दाल कड़ी सब्जी और ये गोभी का सब्जी, ये दाल एंड ये आलू का सब्जी, ये सलाद। तो ये नॉर्मल था एंड ये स्पेशल। सो स्पेशल में है मतलब कुलचा बटर के साथ रोटी, फुलका रोटी, फिर कुलचा, सलाद, ये फ्राइड राइस है और ये क्या भाई तड़का टाइप कुछ है। ओके इधर पनीर का सब्जी, पापड़ और ये आलू मटर का सब्जी है, एक मिठाई, सलाद। दिस इज स्पेशल थाली। एक बार रोटी मिलता है, एक बार रोटी कितना दिया, दो मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ नहीं है। तो क्या क्या मिलेगा? रायता नहीं मिलेगा, सलाद भी मिलेगा, पापड़ देगा, कड़ी कड़ी मिलेगा, बंधा गोभी मिलेगा, भात मिलेगा, दाल मिलेगा, मिलते रहे। और मेरा वाला में हाँ मेरा वाला में फिक्स है। तो भाई जैसा कि आपने देखा जो मील वाला थाली था उसमें आपको जो है काफ़ी टाइम सब्जी छोड़ के मतलब कुछ आइटम छोड़ के जैसे लाइक रायता सलाद छोड़ के जो है बाकी सारे आइटम्स हैं चावल और दाल सब्जी वो आपको मिलता है। बट ये वाला जो थाली था मेरा वाला स्पेशल थाली जिसमें हमें पनीर का सब्जी, तड़का, आलू मटर, कुलचा, नॉर्मल रोटी मिलती है वो गाइस फिक्स है। तो आपको वन टाइम ही दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस मेरा राइस का क्वांटिटी, तो मैंने गाइस रोटी वगैरह जो है कुलचा वगैरह सारा ख़त्म कर लिया एंड ये थोड़ा सा राइस बचा हुआ है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जी हमारे बच चुके हैं एंड ये था स्पेशल थाली जो कि लिमिटेड था, आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम लेते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी सारे सब्जी जो है बच गए गाइस एंड ये थोड़ा सा राइस बचा हुआ है जो कि एक बार में ही चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा गाइस मेरे वाला थाली का जो क्वान्टिटी था काफ़ी कम था, सब्ज़ी का वेराइटी काफ़ी सारा था, बट एटलीस्ट रोटी का या फिर कुलचा का ऑप्शन देना चाहिए था। तो फिलहाल मैं ऑर्डर कर लेता हूँ जिसका मुझे पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मैं बोलना चाहूँगा रोटी या फिर राइस का ऑप्शन देना चाहिए था नेक्स्ट टाइम देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सब्जी काफ़ी बच जाते हैं एंड सारा रोटी एंड कुलचा जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस एक मैं बोलना चाहूँगा
कि प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा और मुझे मतलब क्वांटिटी का खाना का क्वांटिटी थोड़ा कम था। एंड अब आता होगा इसमें टेस्ट के बारे में, खाना का टेस्ट गाइस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है एंड ये प्योर वेज है, बहुत सही है टेस्ट वाइज, इट्स गुड ओके। एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेस्ट भी बहुत सही है। और बाकी जो है तड़का और मटर, आलू मटर का जो सब्ज़ी था वो काफ़ी सही तरीके था, बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं है। देखिए पनीर का जो सब्ज़ी था गाइस उसमें थोड़ा सा मुझे रिच लगा, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा, तो ऑल ओवर टेस्ट गाइस गुड है। बट वही मैं बोलना चाहूँगा मेरा क्वांटिटी में गाइस थोड़ा सा कम आ चुका है, तो क्योंकि संजीव ने जो है नॉर्मल मील लिया था तो उसे जो है मल्टीपल टाइम रोटी मिली है एंड वो मल्टीपल टाइम जो है सब्जी भी ले सकता है। तो गाइस मैं एक छोटा सा डिसएडवांटेज बोलना चाहूँगा, या फिर जो क्वांटिटी है थोड़ा सा और बढ़ा दो, ताकि जो है अगर लिमिटेड ही रखना है खाना तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट और एक कुलचा रोटी और राइस थोड़ा सा बढ़ा दो, इतने कम राइस में और रोटी में जो आपका सब्जी बच जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे गाइस दिक्कत लगा यहाँ पर। यहाँ पर सलाद में हमें गाजर, मूली और ये खीरा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर मैं प्याज मिस कर रहा हूँ। बट जैसा कि मैंने गाइस बोला आपको कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो सारा आइटम जो है वेज है, तो जो लोग वेज लवर हो यार आगे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अपना आज का लंच जो है ख़त्म कर लिया, पर गाइस हम लोगों ने अपना लंच जो है ख़त्म कर लिया एंड टोटल जो बिल हुआ है गाइस वो 285। मेरा स्पेशल थाली का था 160 रुपीज़, इसका जो नॉर्मल थाली था 125। बट इसका गाइस एक एडवांटेज था, इसका थाली पे अनलिमिटेड बहुत कुछ थे, मतलब ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम वो ले सकता था, बट मेरा फिक्स था तो मुझे लेने के लिए वो जो भी था मेरा प्लेट कुछ स्पेशल आइटम थे उसमें, बट वो एक आदमी के लिए सफिशियंट नहीं था। अगर मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आइटम आप थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा राइस या फिर एक आध कुलचा बढ़ा दो ताकि एक आदमी के लिए सफिशियंट हो जाए। बट यहाँ पर गाइज मुझे एक एडवांटेज मिला, क्योंकि ये मेरे साथ था तो इसका अनलिमिटेड था, तो मैंने इससे काफ़ी सारी रोटी वगैरह मंगवा ली थी तो वो खा लिया। तो ये एक एडवांटेज, अगर आप दो लोग हो प्योर वेज खाना चाहते हो तो एक स्पेशल थाली एक नॉर्मल थाली ले सकते हो। एंड इसका थाली में और मेरा थाली में काफ़ी डिफरेंस था, मेरे थाली में सारे जो है स्पेशल आइटम थे, लाइक इसके पास रायता था तो मेरे पास चमचम की मिठाई थी, इसके पास क्या बोलते उसको कड़ी था, हाँ कड़ी था, तो मेरे पास तड़का था, इसके पास बंदा गोभी का सब्ज़ी था, गोभी का सब्ज़ी, तो मेरे पास था पनीर मसाला, तो ये सारा एडवांटेज है। एंड इसका भी खाना मैंने सारा खाया, रायता बहुत अच्छा था बट कड़ी कुछ कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बट घर घर टाइप का खाना था, खाना गाइस उतना अच्छा रिच नहीं था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, अच्छा था। मेरे स्पेशल थाली में मेरा खाना भी बहुत अच्छा था गाइस, टेस्टी था, बट पनीर बहुत ज़्यादा ही रिच था, बट इसका खाना भी अच्छा था। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस गाइस हम लोग काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वेज प्योर वेज ट्राई करना है तो आप आ सकते हो यहाँ पर आनंद रेस्टोरेंट पर, इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वैसे ही गाइस प्योर वेज रेस्टोरेंट जो है ऑप्शंस बहुत कम है तो आप देख सकते हो। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे गाइस पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।